आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। फतेहपुर में ऐतिहासिक रामलीला का होगा आयोजन, 19 दिसंबर को होगा 6 दिवसीय मेले का शुभारंभ। भव्य झांकियों के साथ होगी रामलीला की शुरुआत। ऐतिहासिक रामलीला के 150 साल हुए पूरे। फतेहपुर में ऐतिहासिक रामलीला का होगा आयोजन, 19 दिसंबर को होगा 6 दिवसीय मेले का शुभारंभ। फतेहपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, वीडियो में युवक ने पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही, खुद को बताया पीएम पद का प्रबल दावेदार। सदर नगर पालिका गेट पर पहुंचा था युवक। फतेहपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, वीडियो में युवक ने पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही, खुद को बताया पीएम पद का प्रबल दावेदार। सदर नगर पालिका गेट पर पहुंचा था युवक। फतेहपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, वीडियो में युवक ने पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही, खुद को बताया पीएम पद का प्रबल दावेदार। हरदोई दौरे पर जाएंगे बसपा महासचिव, सुरक्षित विधानसभा सीटों की होगी मंडल स्तरीय जनसभा। जनसभा की तैयारी में जुटे बसपा कार्यकर्ता, हरदोई की विधानसभा क्षेत्र सांडी में होगी जनसभा। हरदोई दौरे पर जाएंगे बसपा महासचिव, सुरक्षित विधानसभा सीटों की होगी मंडल स्तरीय जनसभा। जनसभा की तैयारी में जुटे बसपा कार्यकर्ता, हरदोई की विधानसभा क्षेत्र सांडी में होगा जनसभा। लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी को लेने पहुंची प्रियंका वाड्रा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची प्रियंका वाड्रा, एयरपोर्ट पर कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का भव्य स्वागत। लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी को लेने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची प्रियंका वाड्रा, एयरपोर्ट पर कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का भव्य स्वागत। राहुल पहुंचे लखनऊ, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, राहुल गांधी को लेने पहुंची प्रियंका वाड्रा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे प्रियंका गांधी वाड्रा, एयरपोर्ट पर कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेताओं ने किया भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का भव्य स्वागत, कई नेता भी रहे मौजूद। लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी को लेने पहुंची प्रियंका वाड्रा। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची प्रियंका वाड्रा, अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा शासित महानगर के महापौर करेंगे दौरा, अयोध्या में करेंगे दर्शन पूजन। सभी महापौर वाराणसी से पहुंचेंगे पंचशील, हनुमानगढ़ी सरयू और रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा शासित महानगर के महापौर करेंगे दौरा, अयोध्या में करेंगे दर्शन पूजन। सभी महापौर वाराणसी से पहुंचेंगे पंचशील, हनुमानगढ़ी सरयू और रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा शासित महानगर के महापौर करेंगे दौरा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा प्रमुख के करीबियों पर कसा शिकंजा। मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर छापेमारी, मनोज यादव जैनेन्द्र यादव के आवास पर भी छापेमारी। जैनेन्द्र यादव उर्फ नीटू अखिलेश के यहां आईटी की रेड, अखिलेश के निजी सचिव के घर भी रेड। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है,
सपा प्रमुख के करीबियों पर कसा शिकंजा। मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर छापेमारी। मनोज यादव जैनेन्द्र यादव के आवास पर छापेमारी। जैनेन्द्र यादव उर्फ नीचू अखिलेश यादव के निजी के घर पे रेड। अखिलेश के निजी सचिव के घर पे भी छापा। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सपा प्रमुख के करीबियों के ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पे छापेमारी की गई। मनोज यादव जैनेन्द्र यादव के आवास पर की गई छापेमारी। जैनेन्द्र यादव उर्फ नीजू अखिलेश यादव के निजी सचिव, अखिलेश के निजी सचिव जैनेन्द्र के आईटी रेड। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीओ विजय कुमार समेत 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। बंद पड़ी साड़ी फैक्ट्री को तोड़ने का आरोप। कीमती सामान लूटने का भी पुलिसकर्मियों पर लगा आरोप। मामला थाना गोविंद नगर क्षेत्र का बताया जा रहा। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीओ विजय कुमार समेत 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। बंद पड़ी साड़ी फैक्ट्री को तोड़ने का आरोप। मामला थाना गोविंद नगर क्षेत्र का बताया जा रहा। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीओ विजय कुमार समेत 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। बंद पड़ी साड़ी फैक्ट्री को तोड़ने का आरोप। कीमती सामान लूटने का भी पुलिसकर्मियों पर लगा आरोप। मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। रामलीला मैदान से होगा यात्रा का शुभारंभ। सीएम के आगमन पर तैयारियों में जुटा प्रशासन। मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। रामलीला मैदान से होगी यात्रा की शुरुआत। सीएम के आगमन पर तैयारियों में जुटा प्रशासन। मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। रामलीला मैदान से होगी यात्रा की शुरुआत। सीएम के आगमन पर तैयारियों में जुटा प्रशासन। मथुरा दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। रायबरेली दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। मुंशीगंज बाईपास में करेंगे जनसभा। सदर रायबरेली विधानसभा में भी करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे ऊंचाहार विधानसभा में करेंगे जनसभा। बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे सलोन विधानसभा में करेंगे जनसभा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।